ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पेंटिंग है मैंने बनाया है मैं इंडिया से उड़ीसा स्टेट का रहने वाला हूँ तो मेरे लिए हिंदी भाषा कमजोरी है माफ करना मैं ये अलग तरीके से पेंटिंग बनाऊंगा मैं पेंसिल यूज नहीं करूंगा ये जो मैं काला टिक्का लगा रहा हूँ ये पहले से ही मैं पेंसिल को इसी लोहे के ऊपर पेंसिल का रगड़ कर पाउडर बनाया था अपनी उंगली के माध्यम से कहाँ आँख बनाना है कहाँ नाक कहाँ माउथ इसी पिक्चर का देख देख कर मैं काला लगा रहा हूँ कहाँ कितना काला लगाना है इसी पिक्चर का देख कर ही लगाना ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा रबर खर्च होगा क्योंकि पेंसिल को छोड़ कर रबर के साथ ये काम करना है थोड़ा थोड़ा कर मिटा मिटा कर ये पिक्चर बनाना है ये जो ब्लैक को थोड़ा थोड़ा रबर के माध्यम से डिलीट करना है तो इसे डिलीट वाला फिगर आर्ट भी कह सकते हैं ये जो पिक्चर बना रहा हूँ ये विराट कोहली सर का है जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो फोटो जैसे ही दिखना चाहिए सेम टू सेम ये रबर वाला पेंटिंग बहुत समय लगता है ज़्यादा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पेंटिंग बनाते समय पर रबर का बार बार साफ करना पड़ता है आप यदि ये वाला पेंटिंग करते हैं तो पहले से आप यदि प्रोफेशनल फिगर आर्ट या पेंसिल के माध्यम से कैसे फिगर बनाते हैं ये यदि आप पहले से ही समझ चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये जो ब्लैक शाड मिटाने के लिए ऐसी पेंटिंग बनाते समय आपके पास जो भी फ़ोटो हो जो भी फ़ोटो को स्केच करते हैं तो उसी ओरिजिनल फ़ोटो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल फ़ोटो को देखने से ये समझ में आएगा कहाँ कितना मिटाना है काला को जब आप जो भी पेंटिंग करोगे ओरिजिनल फ़ोटो को ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले देखो इतना देखो कि सब कुछ समझ में आया तो स्टार्ट करना कहाँ कितना कैसे ये सब मैंने ये फ़ोटो विराट कोहली सर का इतना ही कर पाया तो चलेगा मैंने आपको इतना सब कहा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप जो भी काम करते हैं आपका काम कुशल हो ये मेरी दुआ है मेरा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे तरफ से धन्यवाद थैंक्स फॉर वाच